9 जून को हुए मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर T20 विश्व कप में अपना कद और भी बढ़ा लिया है, लेकिन भारत की जीत के साथ पाकिस्तान टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल भारत से मिली हार के बाद पाकिस्तान टीम को आगे का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा और अब पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा भी सताने लगा है। ऐसे में पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान किसी भी हालत में बाकी के बचे हुए मैच को न हारे। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया उस मैच में कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं थी जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़े। पर कहते हैं ना कि जब हार की आदत हो जाए तो जीता हुआ मैच भी हार जाओ क्या ही फर्क पड़ता है। वहीं इस मैच में टीम इंडिया की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी क्योंकि मैच हाथ से जाने के बाद भी पाकिस्तानियों से छीन कर वापस लेकर आना आसान बात नहीं थी। खैर इन सबके साथ ही एक सवाल है जो हर क्रिकेट प्रेमियों के मन में काफी चल रही है कि क्या विराट को ओपन करना चाहिए? कहीं विराट का ओपनिंग करना टीम इंडिया के लिए मुश्किलें तो पैदा नहीं कर रहा? ऐसा इसलिए क्योंकि जब से विराट ओपनिंग कर रहे हैं तब से उनकी परफॉर्मेंस बिगड़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भी काफी चिंता बनी हुई है। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर कामरान अकमल का मानना है कि आयरलैंड के खिलाफ टीम ने यशस्वी जायसवाल की जगह रोहित शर्मा का बैटिंग पार्टनर विराट कोहली को चुना। अपने करियर में मात्र दूसरी बार हिटमैन के साथ पारी का आगाज करने उतरे किंग कोहली ओपनिंग मैच में भी फेल साबित हुए, मात्र एक रन बनाकर के ही पवेलियन लौटे। हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ हुए मैच में भारतीय टीम मैनेजमेंट ने बैटिंग ऑर्डर में भी कोई बदलाव नहीं किया और विराट को शुरुआती ओवर में ही पवेलियन की ओर लौटना पड़ा, जिससे कि एक बार फिर साबित हुआ कि विराट का ओपनिंग करना टीम इंडिया को मुश्किलों में डाल रहा है। आगे कामरान ने कहा कि ICC के इस मेगा इवेंट में विराट को नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए। उनका मानना है कि कोहली को इस पोजीशन पर दबाव झेलने के साथ साथ मैच खत्म करने की काबिलियत रखते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में IPL 2024 में विराट ने बतौर ओपनर 700 से अधिक रन बनाए थे, साथ ही टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाकर ऑरेंज कैप भी जीतने में कामयाब रहे थे। यही वजह है कि टीम इंडिया ने कोहली के साथ पारी का आगाज करने का फैसला लिया। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि अगर विराट IPL वाले फॉर्म में आते हैं तब तो टीम इंडिया के लिए ये प्लस फैक्टर का काम करेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर टीम इंडिया के लिए काफ़ी परेशानियां बढ़ने वाली है। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि क्या विराट कोहली को ओपन करना चाहिए या फिर नंबर 3 पर ही खेलना चाहिए।